सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब देश में वैक्सीन की कमी थी तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अदार ने भारत छोड़ते समय दावा किया था कि कई ताकतवर लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे मामले में घिरते दिख रहे हैं। इस बार सवाल उनकी कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर उठा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्या है मामला जिससे मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं अदार पूनावाला, देखिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के सीईओ अदार पूनावाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी न बनने के मामले में SII के सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट लेकर 2 जुलाई को सुनवाई करने के आदेश दिए। बताते चले कि प्रताप चंद्र नाम के वकील ने 8 अप्रैल को गोविंद अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था, जबकि दूसरा डोज 28 को लगना था, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस पर उन्होंने 25 मई को एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, जिसमें पता चला कि याचिकाकर्ता के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी थी। आरोप है कि वैक्सीन लगवाने के बाद सामान्य प्लेटलेट्स भी आधे से कम हो गई, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके जीवन के साथ वैक्सीन के नाम पर खिलवाड़ हुआ है, वह उसकी किसी भी समय जान भी जा सकती है, ये सरासर धोखा है। वकील प्रताप चंद्र ने FIR करने के लिए अदार पूनावाला सहित 7 लोगों के नाम कोर्ट में दी गई अर्जी में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ICMR के महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक, गोविंद अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर लखनऊ के निदेशक को भी पक्षकार बनाया है। वकील प्रताप चंद्र ने कोर्ट से इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी व हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की मांग की है। TV Live की रिपोर्ट।